ओ जी माँ, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संजू और आज मैं आपको बताऊँगा हैंड स्टैंड कैसे करते हैं, क्या इसकी टेक्निक्स कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक हैंड स्टैंड को होल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए और दिए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 5 से 6 महीने में हैंड स्टैंड काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स। अगर आप 20 से 25 पुशअप्स लगातार कर पा रहे हैं बिना रुके तो आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। एक अच्छा हैंड स्टैंड करने के लिए हमारी बॉडी में एक अच्छी स्ट्रेंथ का होना भी ज़रूरी है। तो पुशअप्स हमें रेगुलर करने हैं ताकि हमारी बॉडी में एक अच्छी स्ट्रेंथ बिल्ड हो सके। तो पुशअप्स डेली कीजिए। आपको 20 से 25 पुशअप्स डेली करने हैं। एक्सरसाइज है एल शीट। एल शीट जो वर्क करती है कोर पर, अगर आप इसको 10 से 20 सेकंड कर पा रहे हैं तो आपके हैंड स्टैंड में स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है 10 से 20 सेकंड या उससे ज़्यादा, जितनी आपकी पोटेंशियल है। ये शोल्डर, एब्स और ट्राइसेप्स पे काम करती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बोट पोज। ये भी एक कोर एक्सरसाइज है जो कि हमारे कोर पर वर्क करता है। अगर आप एल सिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये बोट पोज करना है 1 मिनट के आसपास। ये भी आपके लोअर बॉडी को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करना सिखाएगा आपको। अगर आप ये 1 मिनट तक आसानी से कर पा रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कुछ इस तरह से, ज़मीन से थोड़ा सा पैरों को उठा लेना और हाथों को। जब आप हैंड स्टैंड करते हैं तब भी आपका बॉडी पोस्चर यही रहता है, तो आपको इसको ट्राई करना है कुछ इस तरह से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पाइक पुशअप्स। आपको हाथों को रख लेना है ज़मीन पे कुछ इस तरह से और पैरों को रख लेना है आपको किसी स्टूल या टेबल पर, जिस भी चीज़ का आप सहारा लेना चाहें, और आपको ये होल्ड करनी है 1 मिनट। अगर आप इसको होल्ड कर पा रहे हैं तो आपको इसी में पुशअप्स लगानी है। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ के लिए, कोर स्टेबिलिटी के लिए। आपको 8 से 10 रेपिटेशन इसके डेली लगाने हैं। हैंड स्टैंड में आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी मैटर करती है। अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, स्प्लिट्स काफ़ी अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छे से टेक ऑफ और लैंडिंग काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए हैंड स्टैंड। अगर आप हैंड स्टैंड करना चाहते हैं तो आपको हैंड स्टैंड आना ज़रूरी है, क्योंकि हैंड स्टैंड ही आपको बॉडी पर कंट्रोल लेकर आएगा। जब आप हैंड स्टैंड बनाते हैं तो जिस तरह से आपने हैंड स्टैंड में बॉडी को कंट्रोल किया, सेम वही कंडीशन हैंड स्टैंड में भी आपकी रहती है। नेक्स्ट हमें करना है फोरआर्म स्टैंड। फोरआर्म स्टैंड भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए हैंड स्टैंड का होना ज़रूरी है। तो आपको फोरआर्म स्टैंड की भी प्रैक्टिस करनी है डेली 30 से 40 सेकेंड। अगर जो आप इसको 30 से 40 सेकेंड पर कर पा रहे हैं तो आप हैंड स्टैंड भी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट हमें करना है क्रो पोज। इसके भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है 30 से 40 सेकंड। अगर आपको हैंड स्टैंड करना है तो आपका हैड स्टैंड, फोरआर्म स्टैंड और क्रो पोज क्लियर होना ज़रूरी है। ये सब हैंड स्टैंड की बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको ज़रूर आनी चाहिए। अगर आप हैड स्टैंड, फोरआर्म स्टैंड और क्रो पोज नहीं कर पा रहे तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ से जाकर इनको सीख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैंड स्टैंड के लिए टेक ऑफ कैसे करना है। तो टेक ऑफ करने के लिए आपको दोनों हाथों को कुछ इस तरह से ज़मीन पर रख लेना है और आपको किक करना है जिस तरह से आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पर अभी लेफ्ट से कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से लेग को चेंज कर लेता हूँ। अगर जो आप राइट से करते हैं तो आपको पैर को सीधा रखना है और आपको बार बार ट्राई करते रहना है। आपको ये इतने पावर से करना है ताकि आप थोड़ा ऊपर उठा सकें। जब आप ये सब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इन चीज़ का क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। आपको ये करना है, लेग्स को स्ट्रेट रखना है और बॉडी को उठाना है। जैसे जैसे आप करते रहेंगे आप देखेंगे आपका बॉडी का कंट्रोल आता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लेग्स को थोड़ा स्प्लिट किया हुआ है, आपको भी ये ध्यान रखना है, स्प्लिट्स करना है, इतना तेज़ी से नहीं करना है कि आप आगे गिर जाएं। अब हमें इसी को ही थोड़ा चेंज करके करना है। जैसे हमने पाइक पुशअप्स के लिए किया था, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इस स्टूल को, तो आपको लेग्स को स्ट्रेट रखना है और आपको टो पॉइंट पर आ जाना है ताकि आप सारा वेट आपके शोल्डर्स पर आ जाए, आपकी अपर बॉडी, ताकि आपका बॉडी पर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल आ सके। आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है कुछ इसी तरह से। यहाँ पर आप देखिए मैं टो के पॉइंट की सपोर्ट ले रहा हूँ बस। अब जब आप ये करते रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे कि आपका बॉडी पर कंट्रोल आ रहा है। पैरों को खोल कर रखें।
नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम, जो कि आपको वॉल के सपोर्ट के साथ में करनी है। यहाँ पे आपको अपने किक करनी है और पूरा वॉल पर आ जाना है, जैसे आप देख रहे हैं। आपको यहाँ पे ट्राई करना है हाथों को थोड़ा उठाने के लिए, ताकि आपकी बॉडी पे थोड़ा अच्छे से कंट्रोल आ जाए। और उसके बाद में हमें ट्राई करना है पैरों को दीवार से थोड़ा दूर लेकर जाना है, और यहाँ पर आप लेग को स्विच करते रहें, ताकि आपके हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस होती रहे और बॉडी वेट आपका हैंड्स पर आता रहे। जब आपको लगेगा कि आप काफ़ी अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर हैंड स्टैंड भी काफ़ी अच्छे से होल्ड करने लग जाएंगे। यहाँ पर जब आप लैंडिंग करें, तो लैंडिंग का ध्यान रखें, लैंडिंग स्लो करें, लेग स्ट्रेट रहे आपकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है हमें। अब इसी एक्सरसाइज को हम रिवर्स करके करेंगे। अभी हमने फेस दीवार की साइड में कर लेना है और पैरों को कुछ इस तरह से ऊपर लेकर जाना है। तो यहाँ पर भी हम सेम वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यहाँ पर भी आपको ट्राई करना है, पहले वन लेग को उठा उठा कर लेग्स को स्विच करते रहना है कुछ इस तरह से, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। अगर जो आप ये इजीली कर पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका हैंड स्टैंड बनने लग गया है और आप काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करती रहनी है। लैंडिंग करते वक्त यहाँ पर आप पैरों को धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम। अभी तक हम हैंड स्टैंड सपोर्ट के साथ में कर रहे थे, तो अभी बिना सपोर्ट के कैसे करना है। आपको नीज को बेंड रखना है कुछ इस तरह से, आपको लेग्स को स्ट्रेट नहीं करना है। अगर जो आप स्ट्रेट हैंड स्टैंड बनाने की कोशिश करेंगे, तो नहीं बना पाएंगे। तो अभी आपको टक रखना है बॉडी को, और इसकी प्रैक्टिस करनी है काफ़ी अच्छे से। अब आप हैंड स्टैंड ट्राई करेंगे लेग्स को स्ट्रेट करने पर। स्टार्टिंग में आपका बॉडी का कंट्रोल नहीं आएगा, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। और कंट्रोल लेकर आने के लिए आपको लैंडिंग वन लेग करनी है स्लो कुछ इस तरह से। हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करते वक्त काफ़ी बार हम आगे गिर जाते हैं, तो आगे गिरते वक्त आपको ध्यान रखना है, रोल करना है। या फिर जब आप हैंड स्टैंड कर रहे हो, तो अगर जो आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप हैंड स्टैंड से ब्रिज में जा सकते हैं कुछ इस तरह से। या फिर आपको ट्राई करना है निज को आपको बेंड कर लेना है, अगर जो आप वो सब नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी आप देख लेंगे मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको इंजरी ना हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस करते वक्त आपकी बॉडी में इंजरी ना आए। तो अभी हम करते हैं हैंड स्टैंड। तो ये सब फॉलो करने के बाद में आप हैंड स्टैंड कुछ इस तरह से बना पाएंगे। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, तभी आप ये कर पाएंगे। अगर आपको मेरी नॉलेज लगी है काम की, तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और कमेंट करके मुझे आप बताइए कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे साथ में बने रहिए। And finally, thanks for watching.